कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, हम सबकी कुछ आदतें ऐसी होती है कि जो हम छोड़ना चाहते हैं या हम छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ पबजी गेम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हम बात करते हैं चाइना को बॉयकॉट करने की, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की। ये कहते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, वी विल बॉयकॉट इट, वी विल नॉट यूज़ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ऐसा हम सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। और जो पबजी गेम है उसका तो इतना क्रेज़ है ना इंडिया में, मैं क्या बताऊँ। मैं जिस भी तीसरे बंदे को पूछ लूँ क्या तुम पबजी खेलते हो, कह देगा हाँ मैं पबजी खेलता हूँ, तुम भी खेलते हो। ऊपर से मेरी आईडी और पूछने लगता है, कहता है तुम्हारी आईडी बताओ, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, फिर साथ में खेलेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, खेलो। लेकिन दोस्तों, खेलना बुरी बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, एंटरटेनमेंट की चीज़ है, अपने टाइम पास के लिए हम खेल सकते हैं, पूरा दिन भी वैसे खेलना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि आपको पबजी खेलते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे देश को नुकसान ना हो और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उसको इस गेम से पैसा ना जाए और हम भी अपना एंटरटेनमेंट इस गेम से कर पाए। तो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पबजी गेम का इंट्रोडक्शन देने का मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कोई ऐसा ज़रूरत है पबजी गेम ये बताने के लिए कि पबजी क्या चीज़ है, कौन खेलता है, कैसे खेलते हैं। आप सभी जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है पबजी के बारे में। आज पबजी बहुत ही फेमस गेम है जो कि शायद 2-3 साल पहले इंडिया में आया था और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ इसका छाया हुआ है आज भी इंडिया में। हाँ, थोड़ा कम किया है लोगों ने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग बहुत ही कम हो जाए, मतलब खेलते बहुत हैं, मैं भी खेलता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए खेलते वक्त। जैसे कि पहले हम बात करते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। जी हाँ, मैं पबजी के तीनों मोड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी पबजी मोबाइल लाइट और पबजी जो मोबाइल पीसी वाला मोबाइल हो पीसी पबजी होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पबजी मोबाइल के बारे में, जो कि ऑफिशियल गेम है इसका। दोस्तों, अगर पबजी मोबाइल की बात करें तो पबजी मोबाइल भी काफ़ी अच्छा गेम है, उसमें अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और उसमें हमें जो पबजी के सारे फीचर्स हैं, अलग अलग मैप्स हैं, वो सारे देखने को उसमें मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अपडेट्स भी उसमें हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी गेम है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ हमारा जो मेल जोल है वो कुछ खास आजकल बैठ नहीं रहा है और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट की जो तू तू मैं हो रही है उसके बारे में भी हम सभी जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें आजकल चाइनीज़ जो गेम है ये पबजी, उसमें हमें वीडियो क्रेट नाम से एक ऑप्शन मिलता है। वीडियो क्रेट जब भी इन्वेंचुरी में आप जाएंगे तो कुछ गेम्स खेलने के बाद आपको ये कुछ मिल जाता है एज ए गिफ्ट के तौर पे। तो जब आप उस वीडियो को प्ले करते हैं, यानी प्ले करते हैं, तो आपको कुछ एक कॉइन्स वगैरह या बिटकॉइंस वगैरह बीपी वगैरह ऐसा कुछ करके मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसका यूज़ ना करें। आप जो वो वीडियो होती है वो भी एक तरह की एड होती है, उसको प्ले ना करें, क्योंकि उससे जो है वो एड का पैसा जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को जा रहा है, क्योंकि वो गेम चाइना की है। उस गेम में जो मतलब वो जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर अगर ऐड जा रही है, उस पर अगर ऐड चल रही है उस गेम के थ्रू, तो वो पैसा भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात, अगर हम इसमें खेल रहे हैं तो हम अपनी कोई ऐसी आईडी से खेलें जिससे हमारा पर्सनल डेटा लीक ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गेम्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई फ़ोन कंपनी हो गई, कुछ भी हो गया, चाइना की सारी कंपनियां चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर हैं, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट जब चाहे उनसे उनके यूज़र्स का डाटा कभी भी उनसे निकाल सकती है। तो ये एक रिस्क है, इसलिए मैं तो आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप पबजी खेलते भी हैं, नहीं छूट रही आदत, तो आप अपनी कोई नॉर्मल फेक आईडी से खेलें जिससे कि मतलब क्या है कि आपका पर्सनल डेटा लीक ना हो और कहीं भी मतलब ऐसे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये था दूसरा मेथड। और दोस्तों, कुछ एक और भी बातें हैं, जैसे कि हम पबजी मोबाइल तो खेलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी खेलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पबजी मोबाइल को प्रेफर करते हैं। लेकिन वहाँ एक और गेम आती है पबजी मोबाइल लाइट, जो कि 2-3 GB RAM, 4 GB RAM वाले फ़ोन में भी चल जाता है। तो ऐसा करके हम उसको पबजी मोबाइल लाइट को हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं।
लेकिन दोस्तों हम पबजी मोबाइल लाइट को खेल सकते हैं उस, वो एक तरह से देखें तो हम चाइनीज़ नहीं हैं, क्योंकि वो चाइना में डिज़ाइन नहीं हुआ है, वो कहीं और डिज़ाइन हुआ है उसी का वर्जन, बट दिस इज़ नॉट चाइनीज़। वो पबजी मोबाइल लाइट है लेकिन वो वहाँ चाइना में नहीं है। लेकिन मतलब उससे अगर मैं सीधी सीधी बात कहना चाहूँ तो पबजी मोबाइल लाइट का जो पैसा है वो चाइना को नहीं जाता है, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं जाता है। पबजी मोबाइल लाइट उसका एक लाइटर वर्जन है जो कि है पबजी का ही, लेकिन वो उसका पैसा उसका नहीं जाता। तो पबजी मोबाइल लाइट को हम खेल सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको उसमें भी वीडियो क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है तो आप उसे ओपन ना करें, उसे ओपन करेंगे तो आपकी जो है वो आईडी बैन हो जाएगी, सॉरी आईडी नहीं बैन हो जाएगी, एक ऐड आ जाएगी। क्या क्या बोल देता हूँ मैं अभी। तो दोस्तों बात कुछ यही है कि पबजी मोबाइल लाइट को हम खेल सकते हैं, लेकिन वही बात फिर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अपनी कोई फेक आईडी से खेलें या अपनी कोई ऐसी आईडी से खेलें जिससे आपका पर्सनल डेटा ना हो। आप कोई भी आईडी बना सकते हैं और उस आईडी से जो है वो आप पबजी जो है वो खेल सकते हैं। तो दोस्तों बस यही छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं पीसी पबजी वाली मोबाइल की बात, पबजी पीसी वाली की बात करता हूँ तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आपको ना तो वीडियो क्रेडिट खोलनी है और ना ही आपको एक ऐसी आईडी से खेलनी है जिसमें मतलब आपका पर्सनल डेटा हो। हाँ मानता हूँ कईयों किसी की ये आईडी होगी जिसमें बहुत सारे लेवल्स अचीव हुए होंगे, उसकी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। और हाँ दोस्तों एक बात और जो मैं आपको बतानी भूल गया, तीनों ही मोड में जो कि हमें बहुत सारी पबजी की वो मिलती हैं, कोई सूट बूट वगैरह ये सब मिलती हैं, मैं एक्चुअली मतलब एक टर्म होती है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं एक्चुअली जानता तो नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन सबको ना खरीदें। कई बार हम क्या करते हैं कि इन सबको हम खरीदने लग जाते हैं कि हम पैसे इसमें लगाएंगे, पैसे वेस्ट करके, मतलब एक न्यूज़ भी आई थी 50-60 हज़ार लगा के, 3 लाख लगा के एक बच्चे ने अपने घर से चुराए और पबजी की जो है वो ये इन्वेंचरी में सूट बूट वगैरह ये सब जो है वो आउटफिट खरीदने के लिए उसने उसमें लगा दिए। तो दोस्तों देखिए बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है इस पबजी का। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे ना खेलें, लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ इस पर पैसे वेस्ट ना करें। पैसे का क्या है, बस उसमें क्या है कि पबजी में आउटफिट में एक अच्छा सा मतलब आपको लुक मिल जाता है, उससे आपकी ये नहीं है कि आपकी को गोली जाके सीधे दुश्मन को लग जाएगी या आप ही जीत जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है, उससे सिर्फ आपकी आउटफिट चेंज होती है, प्लेयर वही है, प्लेयर की बस आउटफिट चेंज होती है, उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, वो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है और कोई बात नहीं है। पबजी वैसा ही चलेगा, आपको अगर एक गोली लगने से आप मरते हैं, दूसरी वही गोली लगने से दूसरा बंदा भी मर सकता है, यानी उस गेम में असल में नहीं। तो वही बात है दोस्तों, पबजी को हम ऐसे इस तरह खेलें जैसा कि मैंने बताया, एक तो फेक आईडी हो, फेक आईडी नहीं तो मतलब एक ऐसी आईडी जिससे हमारा पर्सनल डेटा लीक ना हो, दूसरा उसमें जो वीडियो क्रेडिट का ऑप्शन आता है उसको हम ना खोलें क्योंकि उससे ऐड चलती हैं और ऐड चलने से फिर वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को, जो कि हमें नहीं करना है। और तीसरी बात जो कि हमारी आउटफिट होती है पबजी में उसको हमें यूज़ नहीं करना है, यानी उसको हमें खरीदना नहीं है किसी भी तरीके से। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम पबजी मोबाइल, जो पबजी मोबाइल हो, पबजी मोबाइल लाइट हो, इन सबको खेल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पबजी मोबाइल खेलने से जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाता, बल्कि आप उसमें जब खरीदारी करते हैं यानी एड्स प्ले होती हैं, यानी उस आपकी उसकी आउटफिट खरीदते हैं, तब जाके जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो यही कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। आप पबजी मोबाइल खेलते हैं, खेलो, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखता हूँ और ना ही मैं कोई आउटफिट खरीदता हूँ और ना ही कुछ और इसमें एड्स प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। डेली वीडियोज़ के लिए, डेली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।